अस्सलाम वालेकुम, आयुध टीवी के साथ मैं हूं इकरा चौधरी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फंड्स रोकने और गैस की बंदिश के इल्जाम बेबुनियाद हैं। गवर्नर सिंध का कहना है कि वफाकी हुकूमत सिंध में मुख्तलिफ अजला के लिए पैकेजेस तैयार कर रही है, जिसका ऐलान वजीर आजम इमरान खान दौरे के दौरान करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब की तरफ से रिकॉर्ड ना मिलने पर इजहार बरहमी। चेयरमैन शहबाज शरीफ कहते हैं उनके मुकदमात में तो फौरी रिकॉर्ड मिल जाता है। फंड्स के गैर कानूनी इजरा पर ख्वाजा आसिफ एविएशन हुकाम पर बरस पड़े। मीडिया हाउसेज और मुख्तलिफ इदारों से मुलाजमीन की जबरी बरतरफियों और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ ज्वाइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी मैदान में आ गई। सहाफी सराबे एहतजाज मुल्क गिर एहतजाजी धरनों का आगाज कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने का इम्कान। नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल पहुंचाने से पहले सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई। खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का दायरा कार वसी। FIA ने KKF के 48 गाड़ियों को मशकूक करार दे दिया। रवां बरस पाकिस्तान में शदीद गर्मी और सैलाबों का खदशा। कुरे अर्ज के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से दुनिया भर में मौसमी तब्दीलियों में शिद्दत आ रही है। पाकिस्तान फील्ड कंट्रोल के चेयरमैन अहमद कमाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। और अमेरिका ने रूस के साथ एटमी हथियारों के कंट्रोल का मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने मुआहदे की मनसूखी का ऐलान कर दिया। अयूध टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अयूध टीवी या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.ayooth.tv।